हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रियाश्री राव एंड वेलकम टू पिंक फॉरेस्ट विला। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि फेशियल हेयर एंड फेशियल ग्रोथ आप लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग क्या कीजिए। तो देखिए, फेशियल हेयर होने के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो सबसे पहले वो रीजन के बारे में जानेंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि इसको मैं रिमूव कैसे करती हूँ एंड मेरा जो पर्सनल जो पर्सनल क्या मेरा जो पर्सनल DIY है वो मैं कैसे यूज करती हूँ। एक्चुअली DIY नहीं है, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डू। ओके, तो फेशियल हेयर तो सबसे पहले तो जेनेटिक, आप अगर आपके मम्मी के अगर फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा, आपके दादी नानी के फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा रहे हैं तो आपको भी होना लाजमी है। फिर यदि आप पंजाबी फैमिली के अंदर बिलोंग करते हो या फिर हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपको फेशियल हेयर होना बहुत आम बात है। मुझे ऐसा लगता है कि फेशियल हेयर थिक अगर आपको हो तो आपको कहीं ना कहीं वो बॉदर कर रहा होता है एज अ गर्ल। लेकिन कई बार मैंने देखा लोगों को हल्के रोए भी होते हैं ना, तो भी वो बहुत बड़ा सर में हेडेक लेके बैठे हुए रहते हैं कि हमें तो फेशियल हेयर है। ओके, तो अगर आपको फज है तो प्लीज इग्नोर दैट वीडियो, क्योंकि फज का तो कुछ भी नहीं कर सकते आप, इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आपको फेशियल हेयर हैं और वो दिखते हैं तो आप जरूर इस चीज को यूज कीजिएगा। एंड दूसरी चीज जो आती है PCOD, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, पिकॉस पिकोडी की समस्या है, फिर थायरॉयड, देन ऑल्सो आपको फेशियल हेयर आपके चिन के साइड में और आपके गाल की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो मिनोक्सिडिल यूज करते हैं, मिनोक्सिडिल जो लड़कियां यूज करती है 2.5%, उनकी वजह से भी उनको जो है फेशियल हेयर देखने को मिल सकते हैं आपके गले पर या फिर आपको यहाँ पर बीयर्ड जैसा कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं और थोड़ा बहुत आपका खान पान भी मैटर करता है। एंड अगर आपने कुछ छेड़ा झपटी करी अपने फेस के साथ तो वो चीज भी हो सकती है अगर आपके फेशियल हेयर बहुत ज्यादा बढ़ सकते। तो कुछ एक मेथड्स मैं बताना चाहूंगी एंड मैं क्या यूज करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। फर्स्ट मेथड जो आता है वो आता है ब्लीच करना। अगर इफ यू हैव अ फज, लाइक फज है आपको बहुत ज्यादा दिखने वाले फेशियल हेयर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उसके साथ यूज करोगे ब्लीच। वो क्या करेगा, आपके फर्स को आपके स्किन के कलर का कर देगा, हल्का सा लाइट कर देगा उनको, तो आपके स्किन में वो ब्लेंड हो जाएगा, तो वो पता नहीं चल रहा होता है कि आपको फेशियल हेयर है भी या नहीं है। एंड इफ यू हैव मुस्टैच तो उसके लिए तो आपको डेफिनेटली कोई डिफरेंट चीज यूज करनी पड़ेगी, बट अगर आपको ये नहीं है तो आप ब्लीच यूज कर सकते हो, वो कंप्लीटली फाइन है एंड वो अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी ज्यादा फेशियल हेयर है तो फर्स्ट जो मैं रिकमेंड करूंगी आपको वो है फेस शेविंग। मैं भी फेस शेविंग ही यूज करती हूँ एंड फेस शेविंग जो है वो बहुत अच्छा मेथड है अभी तक का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड उससे क्या होता है, स्किन एक्सफोलिएट होती है, डर्मा पीलिंग आप उसको बोल सकते हो एक तरीके से, उस तरीके का काम करता है जो आप डर्मेट से जाके बहुत महंगे तरीकों पे करवाओगे एंड वो घर पर आप बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आपको वो थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ तो आप यूज कर सकते हो वैक्सिंग। एंड वैक्सिंग से क्या होता है, वैक्सिंग से आपकी जो हेयर की जो ग्रोथ है वो जड़ से निकल जाती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो हार्ड कर सकते हैं। लेकिन वैक्सिंग का हार्ड ना भी करे बाल, लेकिन मुझे जो स्किन लूज हो जाना, स्किन का ढीला हो जाना, एंड ऑल्सो कई बार लोगों को वैक्सिंग सूट नहीं करती तो आपके जो पूरा जो एरिया है ये वाला, वो उस एरिया में बम्प्स हो जाएंगे, छोटे छोटे वाइटेड्स जैसे कुछ चीज़ें हो जाएंगी एंड स्किन पर रेडनेस, एलर्जी, ये सारी चीज़ें होने को हो सकती है। तो वैक्सिंग भी ऐसा हो कि वो ब्राजीलियन वैक्स हो, ऐसी जो फेस पर यूज़ की जा सकती हो, एक अच्छे से सैलून से आप करवाएं, अच्छे पार्लर से आप करवाएं, तब जाके वो आपके लिए बेनिफिट कर सकता है। कुछ लोग वैक्सिंग कराते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, अगर आपको सूट करता है तो आप करा सकते हो। एंड एक चीज़ हो जाती है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में बिल्कुल एकदम मेरी तरफ से बिल्कुल नाना है, मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। कुछ लोग कराते हैं थ्रेडिंग, कराते हैं थ्रेडिंग से उनके बाल जो हैं चले जाते हैं, बट इन शॉर्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ा देगा। अगर आप फेस के इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग कराते हो तो आपको वो हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ा देगा एंड मलाजमा की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, क्योंकि बाउंड टूट जाते हैं आपके स्किन के एंड ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि थ्रेडिंग को आप अवॉइड कीजिए। जिस चीज़ पर मैं स्ट्रिक्ट हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दैट इज़ फेस शेविंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा, दैट इज़ अ फेशियल रेजर, एंड ये आजकल मार्केट के अंदर बहुत हाई पापा मिनीज़ है, आप इसको खरीद सकते हो। मैं इसको अमेज़न से परचेज करती हूँ एंड ये बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में मिलता है, 3 से 4 के पैकेट में ये मिलता है, मुझे इस बार 3 का मिला था। मैं लिंक्स इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, एक कैप इसके साथ आती है एंड जिससे ये हाइजीनिक रहता है
डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिलते हैं आपको। मैं रेकमेंड करूंगी यही वाला फेशियल रेजर आप यूज कीजिए, वो जो एक दूसरा रेजर आता है ना जो जेलेट का आता है, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, आपको यही वाला यूज कर। दिस इज अ बेसिकली आईब्रो रेजर एंड ये है जो आपके आईब्रो को ठीक करने के काम आता है, लेकिन इसको आप फेस रेजर की तरह पर यूज कर सकते हैं। आपके बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे आप सोच सकते हो कि फेशियल रेजर यूज करने से फेस के बाल हार्ड आते थिक आते, तो ऐसा नहीं होता है। आपके जिस तरीके के बाल है आपके उसी तरीके के बाल आएंगे। अगर आप वैक्सिंग और जो है थ्रेडिंग कराते हो तो माइट बी पॉसिबल कि आपके बाल हल्के थिक हो सकते हैं, ऐसा कहीं भी जो है क्या बोलते हैं लिखा हुआ नहीं है। जैसे कि आपकी वर्जिनिटी कोई नहीं बता सकता कि इफ यू आर वर्जन और नॉट, ऐसे ही कोई नहीं बता सकता कि आपने फेशियल रेजर यूज किया तो आपके बाल थिक आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। इट डिपेंड्स टोटली पर्सन टू पर्सन, लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करके देखना चाहते हैं तो बेसिकली आप ट्राई करके देख सकते हैं आपको क्या करना क्या है। जब मैं इसको ऐसे यूज करती हूँ, एंड अगर आप इसको एक फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, आपको लिटिल स्ट्रोक्स के अंदर जाना है और आप इसको 15 दिन के अंदर या फिर कभी कभी मंथ भी लग जाते हैं मेरे जैसे केसेस के अंदर, आप इसको मंथ में एक बार कर सकते हो। वेरी इजी है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। एंड तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको कर। एज यू गाइस कैन सी अभी आप और मैं क्लोज हो गए हैं काफी, जैसे कि हम हैं एग्जैक्टली। तो आपको करना क्या है, आपको इसको इतने 45 डिग्री के एंगल पर रखना है, आपको बिल्कुल एकदम ना तो ऐसे रखना है ना एकदम ऐसे रखना है, आपको इसको हल्का सा बेंड करना है एंड देन आपको लिटिल स्ट्रोक, बिल्कुल लिटिल स्ट्रोक के साथ इसको करना है। आप अच्छे से मिरर में देखिएगा एंड मुझे आदत हो गई है ऑनेस्टली। एंड देन अभी मैंने किया हुआ तो बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं, बट जो है आपका जो फेस है वो हल्का सा आपको पीलिंग भी देगा, आपकी जो डेड स्किन सेल्स होती है वो आराम से चली जाएगी एंड आपको लिटिल लिटिल स्ट्रोक के अंदर जो है इसके साथ जो है फेस के एरिया में आपको जितना अच्छा लगता है आप उतना रखिए। आपको सारा हटाना है सारा हटा दीजिए और ऐसे ही आपको ऐसे करना है एंड देन आप अपने मुस्टैच भी हटा सकते हो। मेरे लिए परफेक्टली काम करता है एंड इसके साथ आपको जो है स्किन एकदम बहुत सॉफ्ट फील करते हैं। इफ यू हैव अ मेकअप लवर तो आप इससे आपका मेकअप जो काफी स्मूथ फील होगा, एकदम बटरी जैसा आप ग्लाइड होगा, आपका स्किन केयर अच्छा सिंक होगा। एंड जो लोग भी फेशियल हेयर से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं उनको ऐसा रहता है हाई फेशियल हेयर हो गया अब तो पता नहीं क्या ही हो गया, या फिर ऐसा है कि उन्होंने जो है अगर आप लेजर भी कराते तो भी आपके डॉक्टर जो है आपको फेस शेव से जो आपके बाल हटा देंगे एंड इससे कोई भी हार्म नहीं है, डर्मा पीलिंग से कोई हार्म नहीं होता। आपकी स्किन अच्छी ब्रीथ कर रही होती है एंड स्किन के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, स्किन की ऊपरी लेयर हट रही होती है जो एक्सफोलिएटर से संभव नहीं होती है, ये स्किन को एक्सफोलिएट भी कर रहा होता है। सो मुझे किसी भी तरीके का जो है बैड या फिर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले, मुझे जो है अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखने को मिली हैं जब भी मैंने इसको किया है। एंड ऑब्वियसली स्किन एकदम स्मूथ हो जाती है आपकी एंड फेशियल हेयर बिल्कुल भी थिक नहीं आते हैं। जिनको भी ऐसा लगता है कि फेशियल हेयर अब तो हमारे थिक आएंगे, बहुत ज़्यादा डार्क आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो नहीं होगा। बहुत सारे लोग उत्सुक थे कि मैं क्या करती हूँ फेशियल हेयर के लिए, ऑनेस्टली मुझे भी काफ़ी सारे फेशियल हेयर हैं एंड आप लोगों को भी होंगे, तो आप लोग भी ये यूज़ कीजिए। एंड अगर आप कम एज के हैं तो आप प्लीज सलाह ले लीजिए अपने मम्मी डैडी की, क्योंकि मेरी तरफ से मतलब मैं जो कह रही हूँ उसके तौर पर बिल्कुल मत जाइएगा, लेकिन इफ यू हैव अडल्ट तो आप बिल्कुल इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि आप तो फिर अपनी ही सुनेंगे ना। तो इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय बाय।